हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल JBC। और जैसा कि स्टूडेंट आप लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और आज हम लोग पढ़ेंगे नैंसर समीकरण। अगर आप लोगों को जैसे कि डेनियल सेल देखे हुए होंगे और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अगर आपको अच्छे से आ रहा होगा तो नैंसर समीकरण ये चुटकी का कमाल है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं गिब्स ऊर्जा क्या होता है। गिब्स ऊर्जा जो है, देखिए इसको जी से इंडिकेट करते हैं, ये क्लास 11 का टॉपिक है। यहाँ पर बस नैंसर समीकरण को सॉल्व करने के लिए इसका हेल्प लेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए तो गिब्स, देखिए कोई मतलब कि ऐसी वैसी ऊर्जा नहीं है, ये एक साइंटिस्ट का नाम था, उनके नाम पर जो उन्होंने इसको क्या कहते हैं, इस सिद्धांत को दिया, जिसके कारण इसका नाम पड़ा गिब्स ऊर्जा। जैसे होता है ना, सम्मान में दिया गया, न्यूटन, जूल, ये सब सम्मान में दिए गए नाम हैं। ठीक है, चलिए तो गिब्स ऊर्जा जो है, देखिए एक बार नेगेटिव हो सकती है, गिब्स ऊर्जा आपकी शून्य हो सकती है, गिब्स ऊर्जा आपकी पॉजिटिव हो सकती है। ठीक है, जब भी गिब्स ऊर्जा निगेटिव होगी तो प्रक्रम स्वतः प्रक्रम होगा। स्वतः प्रक्रम मतलब होता है कि अपने आप होने वाला। जैसे मान लीजिए कि आप एक कमरा है, दूसरा कमरा है, गेट है बीच में, आप एक कमरे में अगरबत्ती सुलगा दीजिए, ठीक है, तो दूसरे में अभी नहीं सुलगाए आप कुछ किए नहीं है, दूसरा वाला एकदम शून्य है, खाली है, इसमें अगरबत्ती सुलगा दिए और उसके बाद क्या हुआ, वो अगरबत्ती का जो धुआं है दूसरे कमरे में, बस एक बार आप सुलगाए हैं, वो बार बार अपने से जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्वतः प्रक्रम हो जाएगा। ठीक है, ये मान लीजिए आपने अगरबत्ती, ये दो कमरा है, दो कमरे में यहाँ पे मान लीजिए फाटक है आपका, आप यहाँ पे अगरबत्ती सुलगाए तो महक रहा है, यहाँ से फिर क्या करेगा, इधर जाने लगेगा, ये हो जाएगा आपका स्वतः प्रक्रम। स्वतः प्रक्रम की स्थिति में जो डेल्टा जी है यानी गिब्स ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। ठीक है, नॉर्मल। सेकेंड देखिए क्या है, जीरो, जीरो का मतलब होता है साम्यावस्था। साम्यावस्था देखिए क्या होती है, मान लीजिए दो टंकियां हैं, इसमें क्या है, जितना पानी इसमें भरा है उतना पानी इसमें भरा है, अब दोनों में बराबर पानी भरा हुआ है, ठीक है, या दोनों में बराबर गैस भरी हुई है, तो न ए का बी में जाएगा ना बी का ए में आएगा, तो कोई क्रिया होगी ही नहीं। ठीक है, तो क्या होगा, इसको कहते हैं साम्यावस्था। सेकेंड साम्यावस्था में स्थिति होती है कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आप केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब कि अभिकारक जो है उत्पाद बन रहा है, जितनी मात्रा में उत्पाद बनेगा उतनी मात्रा में उत्पाद जो है पुनः रिएक्टेंट में, यानी कि रिएक्टेंट क्या कहेंगे हिंदी में, अभिकारक। ठीक है, अभिकारक में वो बदल जाएगा, बराबर मात्रा में बनते और बदलते रहेंगे। ठीक है, तो ये दोनों अवस्थाएं क्या रहेंगी, साम्यावस्था। ठीक है, दोनों अवस्था किसकी होती है, साम्यावस्था की। ठीक है, लास्ट है आपका पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव मतलब ये होता है अस्वतः प्रक्रम। अब जैसा कि मान लीजिए अस्वतः प्रक्रम का मतलब ये होता है कि मतलब जो क्रिया बार बार हमको करनी पड़े। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए किसी कमरे में है, हम कोई सामान रखा हुआ है, अब मान लीजिए खूब बहुत सारा सामान है, ठीक है, अब उसमें से आप थोड़ा ही उठा सकते हैं, अब क्या करना होगा कि एक सामान अगर आप ले गए तो ऐसा तो होगा नहीं कि सभी उड़ के आ जाएंगे, बार बार आपको ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, अस्वतः प्रक्रम। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए देखिए, जो गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन है वो क्या होता है, निकाय द्वारा किया गया उपयोगी कार्य, इसके पहले बस माइनस लगा दिया जाता है। ठीक है ना, तो अब आप लोग जानते हैं जैसा कि एनोड से, जैसा कि डेनियल सेल में आप लोग देखे थे, एनोड से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कैथोड में जाता है। मान लीजिए यन मोल इलेक्ट्रॉन जो है एनोड से कैथोड में गए, तो यन मोल इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होगा वो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे नहीं, एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, 1.6 मल्टीप्लाई 10^-19 कूलाम। ठीक है, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा, 6.02×10^23 इलेक्ट्रॉन का आवेश, यही होता है ना, एक मोल बराबर कितना होता है, 6.02×10^23 कण अणु परमाणु कुछ भी। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें 1.6×10^23
सॉरी इसको लिख दीजिए पहले, 6.02 × 10³³ गुणे 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। ठीक है, अब इसको गुणा करने पे आएगा 96485 कूलाम। ठीक है, जिसको अप्रॉक्स में बोलते हैं लगभग 96500 कूलाम। ठीक है, क्या हो जाएगा 96500 कूलाम हो जाएगा। ठीक है, और ये जो होता है आपका एक फैराड के बराबर होता है, तो एक फैराड बराबर कितने कूलाम, 96500 कूलाम होता है। ये अप्रॉक्सीमेट है, और रियल क्या है ये है, ठीक है ना, 96485 कूलाम। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ से यन मोल जा रहे हैं, यन मोल जा रहे हैं, तो जो एक मोल के लिए आवेश कितना होगा, कैपिटल एफ होगा। एक मोल के लिए कितना आवेश हो गया, कैपिटल एफ हो गया। यन मोल के लिए क्या हो जाएगा, यन एफ हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, एन एफ हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक, चलिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं विभवांतर, विभवांतर बराबर होता है कार्य बटे आवेश। ठीक है, कार्य बटे आवेश, और गिब्स ऊर्जा क्या है, आपका कार्य है। गिब्स ऊर्जा क्या है, कार्य है ना, तो क्या करेंगे, कार्य बराबर क्या हो जाएगा, आवेश गुणे विभवांतर। ठीक है, तो डेल्टा जी माइनस, डेल्टा जी माइनस आवेश का मान कितना है, एन एफ, एन एफ। ठीक है, एन एफ, और विभवांतर कितना है आपका, ई सेल। याद करिए इन दोनों के बीच में जो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगाया गया था, यही क्या कर रहा था, दोनों के बीच का विभवांतर बता रहा था ना, तो याद है कि नहीं, तो कहते हैं जिंक और कापर का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई सेल हो जाएगा, बराबर माइनस एन एफ ई सेल हो गया। क्लियर यहाँ तक, ये तो होता हो गया किसी भी कंडीशन में, मतलब कि ताप भी कोई भी हो सकता है, दाब कोई हो सकता है, सांद्रता कितनी भी हो सकती है। अब इसी को मानक कंडीशन में कर देंगे तो कैसे होगा, जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ मल्टीप्लाई ई नॉट सेल हो जाएगा। मानक कंडीशन क्या होता है, एक वायुमंडलीय दाब, एक मोलर सांद्रता, और क्या होता है, 298 केल्विन ताप होता है। ठीक है, प्रेशर, ये कंसंट्रेशन, एंड ये क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। ठीक है, चलिए देखें नैंसर समीकरण, जो कि इम्पोर्टेंट है आपका। नैंसर समीकरण बस क्या कहते हैं, एक नंबर दो नंबर का आएगा। ठीक है, इस पर बेस क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, तो चलिए देखें, ये वैसे बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मान सकते हैं आप, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आते हैं। ये एक नंबर में आता है, एक नंबर दो नंबर में आ जाएगा क्वेश्चन, सीधा बहुविकल्पी में पूछ सकता है, या वैसे क्या कहते हैं, एक नंबरी में, दो नंबरी में, लघु उत्तरी या तिलक उत्तरी में पूछ सकता है। ठीक है, दीर्घ उत्तरी नहीं आना है, दीर्घ उत्तरी आएगा तो नैनसन समीकरण के साथ साथ क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एलन क्यू। एलन क्यू जो होता है, देखिए एलन क्यू जो होता है, ये होता है लॉग, जिसका आधार ई हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, एलन क्यू होता है। इसको अगर जब हम आधार 10 के हिसाब से चेंज करेंगे लॉग 10 क्यू, तो इसमें 2.303 का गुणा हो जाता है। ठीक है, 2.303 का गुणा हो जाता है। अब करेंगे ये मान इसमें रख दीजिए, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log 10 Q। ठीक है, 10 जो है आधार है। अब यहाँ पर है क्या, देखिए ये तो गिब्स ऊर्जा हो जाएगा, ये मानक गिब्स ऊर्जा, क्या कहते हैं, नियतांक R क्या हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा T से टेम्परेचर, यानी कि तापमान, टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, अब बचा हमारा Q। ठीक है, तो
तो Q को देख लीजिए, Q क्या है, Q हो जाएगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और अपान रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ठीक है। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन यानी प्रोडक्ट जो बना है आपका अपान रिएक्टेंट जिससे आपने अभिक्रिया कराई है उसका कंसंट्रेशन लिखना है। और इसके बाद क्या है, पावर में रस समीकरण मिति का ध्यान रखना है, ठीक है। रस समीकरण मिति का ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया है ए ए प्लस बी बी, ठीक है, सी सी प्लस डी डी, ये मान लीजिए कोई आपकी अभिक्रिया हो गई, ठीक है ना। ये कोई अभिक्रिया, मान लीजिए ए बी को आपने मिलाया तो सी डी मिला, और ए का ए की मात्रा स्मॉल ए के बराबर, कैपिटल बी की मात्रा स्मॉल बी के बराबर है, ऐसे ही उधर इस कैपिटल सी की मात्रा स्मॉल सी, कैपिटल डी की मात्रा स्मॉल डी के बराबर है, ठीक है। तो क्यू क्या हो जाएगा, क्यू हो क्या जाएगा, सी डी अपान ए बी। देखिए कंसंट्रेशन के लिए बड़ा वाला कोष्टक लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसके आगे क्या लिखा है, ए लिखा है, तो इसके क्या करते हैं, यहाँ ए लिख दीजिए, यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। ये होता है रस समीकरण मिति, ठीक है। इसको क्या करेंगे, घात के रूप में लिख देंगे, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। लीजिए देखिए डेल्टा जी बराबर क्या होता है, अभी आप लोग निकाले थे माइनस एन एफ ई सेल, यही था ना, और डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है। ये मान इसमें पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ इजिकल ई सेल बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस 2.303 आर टी लॉग 10 क्यू हो जाएगा, ठीक है, ये मान हो जाएगा। अब करिए क्या कि दोनों पक्षों में माइनस एन एफ से भाग देने पर, ठीक है, भाग दे दीजिए, माइनस एन एफ ई सेल, ठीक है, बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस 2.303 आर टी लॉग 10 क्यू, इसके बटे क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ, इसके भी बटे क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ, इसके भी बटे क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ हो जाएगा। होगा यहाँ तक क्लियर सबको, चलिए देखिए ये क्या करेगा, इससे उड़ जाएगा, ये इसका गोली मार देगा, और यहाँ पे कुछ गोली नहीं मारेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ठीक है, माइनस, ये माइनस यहाँ आ जाएगा 2.303 आर टी अपान एन एफ लॉग 10 क्यू, यही आपका नेंसर समीकरण है, ठीक है। चलिए देखिए ये आपका फार्मूला हो गया ई सेल का नेंसर समीकरण। अब ये क्या करेंगे, ये जो मान है इसमें रख देंगे, यानी आर का मान कितना हो जाएगा 8.314 जूल मोल केल्विन, और टेम्परेचर आपका मानक टेम्परेचर जो कि आप जानते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, फैराडे का क्या हो जाएगा, एक फैराडे बराबर इतना कूलाम होता है, ठीक है। ये मान जब इसमें पुट कर देंगे तो ई सेल बराबर आ जाएगा, ई सेल बराबर ई नॉट सेल, ठीक है, माइनस ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान एन लॉग 10 क्यू हो जाएगा। ये भी आपका क्या है, नेंसर्ड समीकरण है, ठीक है। चलिए देखिए आप डेनियल सेल पढ़े हैं, जेड एन प्लस सी यू टू प्लस, उसके बाद क्या था, जेड एन टू प्लस और प्लस सी यू, जेड एन यहाँ पर क्या था, सॉलिड, यहाँ पे एक्वा सॉलिड, ठीक है। अब क्या होगा, क्यू का मान हम लोग निकालेंगे, क्यू का मान कैसे निकलता है देखिए, तो क्यू बराबर जो होगा, पहली चीज कंसंट्रेशन जो होता है, सांद्रता जो होती है वो सॉलिड की होती ही नहीं है, ठीक है, तो सॉलिड को गोली मार के हटा दीजिए, बचा क्या, जेड एन आपका बच गया,
कंसंट्रेशन किसका बचा? जेडियन का बच गया, और किसका बच गया? सीयू का, ठीक है, जेडियन और सीयू बच जाएगा, ठीक है। इसके आगे कोई अंक लिखा है? नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, बात खत्म, ठीक है। तो क्यू का मान ये हो जाएगा। और एक चीज़ और आप लोग जानते हैं, ई नॉट सेल जो था किसके लिए? डेनियल सेल के लिए, ई नॉट कैथोड, ई नॉट एनोड, जब निकाले थे कितना आया था? 0.34 माइनस 0.76 आया था, 0.34 प्लस 0.76 इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट, यही आया था, ठीक है। ये मान जो है, ये सब मान आप नैनसन समीकरण में रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? ई सेल बराबर क्या हो जाएगा? 1.1, यही था ना ई नॉट सेल, ठीक है, 1.1 माइनस 0.0591 अपान यन, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है? दो इलेक्ट्रॉन का, दो, और लॉग 10 है क्या यहाँ पर? जेड एन 2 प्लस अपान सी यू 2 प्लस, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इसके लिए मान, ठीक है, अगर डेनियल सेल के निकालना हो तो। चलिए देखें, आपका डेल्टा जी का मान अगर निगेटिव रहेगा तो ई सेल का मान पॉजिटिव रहेगा, ई सेल क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, यानी ये स्वतः प्रक्रम होगा, स्वतः प्रक्रम होगा। स्वतः प्रक्रम में होता क्या है कि बैटरी डिस्चार्ज होती है, डिस्चार्ज होगी, यानी बैटरी कहते हैं ना उतर रहा है, तो इन्वर्टर पहले चार्ज हुआ फिर उतर रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। सेकेंड चीज हो रही है क्या रहेगा? डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो, तो ई सेल क्या रहेगा? ये भी जीरो रहेगा, न चार्ज होगी न डिस्चार्ज होगी। लेकिन ई नॉट सेल हमेशा क्या कहते हैं, जरूरी नहीं है कि ई नॉट सेल जो है ये भी जीरो हो, ये जरूरी नहीं है। थर्ड चीज़ हो जाएगी, डेल्टा जी बराबर हो जाएगा प्लस का, जब पॉजिटिव हो जाएगा तब ई सेल जो हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा? बैटरी जो है चार्ज होगी, ठीक है, बैटरी क्या होगी? अब चार्ज होगी। ये हो जाएगा आपका पूरा आंसर समीकरण, काम खत्म मेरा।